गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग। ये एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है। अब बेसिक है तो बहुत इजी भी होगी, बट इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब आप कोई भी ज़्यादातर टेक्निक्स करोगे, जब आप बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी बेसिक काम करना शुरू करोगे ना, तो इसमें ग्राम स्टेनिंग आती ही आती है। तो अगर आपने इसी स्टेज पर गलती कर दी तो एक्सपेरिमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। दैट्स वाई ये बेसिक है, तो अगर आपने कहीं भी कोई बेसिक टेक्निक सुना तो उसको बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि बेसिक मतलब वो हर जगह यूज़ होगी मोस्टली। सो लेट्स स्टार्ट। अब टेक्निक शुरू करने से पहले ये स्टडी करते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। तो पहले हमें स्लाइड चाहिए जिसके ऊपर हम स्पेसिमेन रखेंगे, और दूसरी चीज़ जो हमको चाहिए वो चाहिए हमें स्लाइड होल्डर, इसे क्लिप भी कहते हैं। ये आपको जो कपड़े टांगने वाली क्लिप है ना, वैसी भी दिख सकती है। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे। तो तीसरा सामान है हमारा स्टेनिंग रैक। देखो, जब आप अपनी स्लाइड पे स्टेन्स गिराओगे या रिएजेंट्स गिराओगे या फिर केमिकल्स गिराओगे, तो सिर्फ स्लाइड पे तो गिरेगा नहीं, वो आसपास भी गिरेगा। अगर टेबल पे करोगे तो टेबल पे भी गिरेगा, सिचुएशंस मैसी हो जाएंगी। वॉश बेसिन में करोगे, वॉश बेसिन में गिरेगा। बट हम चाहते हैं हम अपनी स्लाइड को ज़्यादा से ज़्यादा वो एनवायरनमेंट दें जिसमें दूसरे बैक्टीरियाज कम हो। वॉश बेसिन में दूसरे बैक्टीरियाज होंगे, तो इसके अंदर आप करने का फ़ायदा है, इसमें दूसरे बैक्टीरियाज वॉश बेसिन से तो कम ही होंगे। और आप अपना पूरा एक्सपेरिमेंट इसमें करो और लास्ट में से क्लीन कर लेना, आपका मैसी भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो हो चाहिए हमें, केमिकल्स चाहिए। तो ग्राम स्टेनिंग में यूज़ होने वाले केमिकल्स होते हैं क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, डीकलराइज़र जो कि क्रिस्टल वायलेट को रिमूव करता है, मेन काम इसका यही होता है। जो ग्राम नेगेटिव अगर अच्छे से पकड़ के नहीं रखते क्रिस्टल वायलेट, तो जल्दी हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव ने अच्छे से पकड़ा हुआ है क्रिस्टल वायलेट को, तो नहीं हो पाता। ये कोशिश इसकी यही रहती है कि क्रिस्टल वायलेट को हटा दे, और ये होता है अल्कोहल एसीटोन सॉल्यूशन। और चौथा होता है सैफ्रिनिन। देखो, ये एक दूसरे कलर की डाई है, रेड कलर की डाई, पिंक कलर की डाई कह सकते हैं, डार्क पिंक कलर की डाई कह सकते हैं। तो ये जो सैफ्रिनिन है, ये क्या करता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है जिन्होंने डीकलराइजर जब उन पे यूज़ हुआ तो क्रिस्टल वॉलेट को छोड़ दिया, अब वो कुछ कलर के तो आने चाहिए ना, तो उन लोगों के लिए कि सैफ्रिनिन उन पे पड़ेगा तो वो पिंक हो जाएंगे, डार्क पिंक हो जाएंगे, और जो क्रिस्टल वॉलेट वाले ग्राम पॉजिटिव है उस पे पड़ेगा तो डार्क वॉयलेट हो जाएगा। तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो दोनों बैक्टीरियाज को। मान लो आपका पूरा कल्चर ग्राम नेगेटिव है और आपने डीकलराइजर यूज़ किया, तो आप तो माइक्रोस्कोप में देख ही नहीं पाओगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये बात पता चल गई, पर उनकी शेप वगैरह कैसे पता चलेगी। इसीलिए सैफ्रिनिन डाला जाता है। साइड में आपको एक इमर्शन ऑयल दिख रहा होगा, ये आपको अगर आपका माइक्रोस्कोप 10x है, 40x है, ठीक है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। पर आपको का माइक्रोस्कोप अगर 100x है, मुझे 100x लेंस पे देखना है, तो आपको इमर्शन ऑयल की ज़रूरत है। इमर्शन ऑयल का वर्किंग कैसे है, ये मैंने माइक्रोस्कोप वीडियोज़ बनाई हैं, आप उसमें चेक कर सकते हो। और एक है ऑप्टिकल लेंस क्लीनर, आपको भाई अपने माइक्रोस्कोप का लेंस क्लीन करना पड़ेंगे उसको ऑब्जर्व करने से पहले, क्योंकि क्या पता माइक्रोस्कोप के लेंस के ऊपर ही कुछ लगा हुआ हो। तो देखो, ऑप्टिकल लेंस क्लीनर की भी ज़रूरत है हमें, क्योंकि अगर लेंस के ऊपर ही कुछ लगा हुआ हो, अगर लेंस के ऊपर ही कुछ लगा हुआ हो तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो गलत ऑब्ज़र्व करेंगे। मैं फिर हिंट दे देती हूँ, इमर्शन ऑयल के वॉकिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, तो जिन बच्चों का फिजिक्स अभी वो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब और हमें क्या क्या चाहिए, अब देखो बाकी जो लास्ट की दो चीज़ें हैं वो बहुत बेसिक है, ग्लव्स, लैब कोट और गॉगल्स। देखो, ग्लव्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम उस टाइम लैब में होंगे, तो उस टाइम कितने सारे माइक्रोब्स, कितने सारे केमिकल्स हमारे हाथ पे लग सकते हैं, तो हमें उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। लैब कोट क्यों चाहिए, इतने सारे स्टेन्स और केमिकल्स के साथ आप खेल रहे हो तो आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, मैं तो नहीं चाहती कि मेरे कपड़े गंदे हो। नेक्स्ट है गॉगल्स। गॉगल्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अटैक हमेशा साइट से होता है, मोस्टली साइट से होता है, हमारी करने से हमारी आंखों में ज़्यादातर कुछ नहीं जाता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम केयर तो करते ही नहीं है कि हमारे साइड वाला, हमारे आगे वाला, हमारा पीछे वाला क्या काम कर रहा है, इसलिए गॉगल्स लैब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप। अब इतना सारा काम कर लिया और अब ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप ही नहीं है तो फिर क्यों किया,
अब हम आते हैं प्रोसीजर्स पे। अब एक रफ स्केच समझ लो पूरे प्रोसेस का। मैंने एक स्लाइडली उस पर स्पेसिमेन रखा, उसको हीट के थ्रू पास ऑन किया उस स्लाइड को। इस प्रोसेस को हम हीट फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि इससे मेरा स्पेसिमेन मर गया। अब जो स्मियर बना, जो ड्राई हो गया, उसके ऊपर ना मैंने स्टेन्स गिराए और केमिकल्स गिराए, जो रिएजेंट्स थे वो सारे सीक्वेंस वाइज गिराए। इनका एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले मैं क्रिस्टल वायलेट, फिर आयोडीन, फिर डीकलराइजर एंड देन सेफ्रिनिन डालती हूँ। उसके बाद देखो, जो ज़्यादा एक्सेस ऑफ रिएजेंट था वो तो स्टेनिंग रैक में गिरा दिया। उसके बाद जो मेरे पास स्लाइड आई वो अभी भी वेट है, उसको मैंने ब्लॉटिंग पेपर से ड्राई किया और सीधा ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। अब हम स्टडी करते हैं इसे डिटेल में। अब डिपेंड करता है कि आप किस में से, कौन से टाइप के कल्चर में से स्पेसिमेन ले रहे हो। अगर ब्रॉथ में से ले रहे हो तो ये जो लूप है, जो डायग्राम में है, इसको पहले स्टराइल करोगे। स्टराइल कैसे करोगे, उसे हीट करके, और इसे फिर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे। और स्टराइल करने के बाद उसकी दो तीन ड्रॉप्स, मतलब मल्टीपल ड्रॉप्स लगेंगी, तभी आपको आपका कल स्पेसिमेन दिखेगा उस स्लाइड पे। बट अगर अगार लिया है तो वो उतना मुश्किल नहीं है, बस उस स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप पानी डाल दो और उसके बाद ये एक लूप फुल ऑफ स्पेसिमेन डालो और उसे मिक्स करो थोड़ा उस पानी में, ताकि वो ट्रांसपेरेंट सा एक सोल्यूशन बना दे आपकी स्लाइड के ऊपर। वो बहुत थिक नहीं होना चाहिए स्मेयर। ये कैसे पता चलेगा कि स्मेयर थिक है या थिन? अगर आप उस स्लाइड के थ्रू न्यूज़पेपर या फिर कोई भी रिटन चीज़ पेपर पढ़ पा रहे हो तो वो बेस्ट थिकनेस है। नहीं पढ़ पा रहे तो वो ओवर थिक हो गया है, वो भी अच्छा नहीं है। तो इसके बाद आपने ये कर लिया, अब आप रिएजेंट्स डालोगे। तो रिएजेंट्स में अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है मैंने कि वो पता नहीं क्यों पूरा स्लाइड को ही फ्लड कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि स्पेसिमेन कहाँ था। तो कोशिश करो कि आप उस सैम्पल के ऊपर ही स्टेन डालो, और ये सारा काम आपको क्या करना है, स्टेनिंग रैक के अंदर, ताकि आपकी टेबल मैसी ना हो। और वॉश बेसिन में मैं नहीं चाहती, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। सो आपको फ्लड नहीं कर रहे हैं इंटायर स्लाइड पे, आपको उस स्पेसिमेन पे ही डालना है। और अगर आप कोशिश करोगे ना तो फिर भी ऐसे स्टेन गिरेगा कि आपको एंड तक आइडिया रहेगा कि आपका स्पेसिमेन कहाँ है। अब हम आए स्टेप टू पे, हीट फिक्सेशन। अब देखो, मैंने ब्रॉथ से जब स्पेसिमेन को अपनी स्लाइड पे लिया था, ब्रॉथ तो लिक्विड होता है तो स्पेसिमेन तब भी वेट है, और जब मैंने अगार पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के स्पेसिमेन डाला तब भी वो वेट है। तो मुझे थोड़ी देर उसको अपने आप ड्राई होने देना है, और उसके बाद मैं उसे बंसन बर्नर के ऊपर, बंसन बर्नर को पहले जलाऊंगी, फिर उसके ऊपर 2 से 4 बार उसकी फ्लेम के थ्रू अपनी स्लाइड को पास करूंगी। और मैं स्लाइड को, जैसे इस डायग्राम में इस पर्सन ने अपने हाथ से पकड़ा है, मैं नहीं करती, मैं क्लिप से पकड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अपना हाथ बहुत प्यारा है, मुझे थोड़ा भी नहीं जलवाना। और हमारे पास क्लिप्स अवेलेबल है तो हम क्यों ना करें। और जब ये हो जाए, जब आपने ये हीट फिक्सेशन कर लिया, तो इसके बाद आप इस पर रिएजेंट्स डालोगे। और रिएजेंट्स कैसे डालने, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी पार्ट है, लेट्स सी। तो सबसे पहले आप अपने स्पेसिमेन पे डालोगे क्रिस्टल वॉयलेट और उसको रहने दोगे उस सैंपल के ऊपर 60 सेकेंड्स तक। घड़ी से देख के ही सारे काम होने चाहिए। उसके बाद आप उस डाई को, स्टेन को वॉश करोगे पानी से, और बहुत जेंटली होना चाहिए। अगर स्ट्रांगली किया तो आपको पता है आपका स्पेसिमेन भी झड़ सकता है। नेक्स्ट आया, आपको उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालना है, और उसके बाद उसे भी 60 सेकेंड्स तक रखना है। देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्रिस्टल वॉयलेट को 60 सेकेंड्स, आयोडीन सोल्यूशन को 60 सेकेंड्स, डी कलराइजर को सिर्फ 10 सेकेंड्स, और उसके बाद सैफ्रिनिन को भी 60 सेकेंड्स। और इसके ऊपर, और जो हर स्टेन को डालने के बाद जब वो टाइम इंटरवल तक उसे रिटेन करा लिया तो उसे पानी से धो देना है। फिर से पानी से धो दो, फिर उसके बाद अब डी कलराइजिंग सोल्यूशन डालो, 10 सेकेंड्स तक रखो और फिर धो दो। उसके बाद सैफ्रिन डालो, 60 सेकेंड्स डालो, तो मतलब 60 60 10 60, और फिर से धो दो। तो ये आपने रिएजेंट्स भी अप्लाई कर दिए। अब क्या करना है? अब तो सबसे आसान काम, उस स्लाइड को, जो पेपर है, बिबुलस पेपर होता है, उसके थ्रू धीरे 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 टैप करके
उस वेट स्लाइड को ड्राई करो और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, और उसकी शेप, अरेंजमेंट, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ये डिसाइड करो. ग्राम पॉजिटिव पर्पलिश होगा, ग्राम नेगेटिव रेड होगा, रेड डार्क पिंक. तो अब कुछ पॉइंट जो हमें याद रखने चाहिए. पहली बात तो आप फ्रेश कल्चर यूज़ करो स्मेयर बनाने के लिए. क्यों? अगर आपने पुराना कल्चर यूज़ किया तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो कंटेमिनेटेड हो. दूसरी बात की हो सकता है कि कल्चर में जो बैक्टीरिया का काउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो, तो आप अगर थोड़ा भी अमाउंट लोगे तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगा. आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा भी हो स्लाइड पे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती. नेक्स्ट है कि आपको, अगर आप ब्रॉथ से काम कर रहे हो तो उसे वोटेक्स शुरू करो. वोटेक्स क्या होता है? मतलब एक मशीन होती है जो उसको अच्छे से गोल गोल घुमा देती है. तीसरा ये है कि स्मेयर्स इतने पतले होने चाहिए कि उसके थ्रू स्लाइड पे जब आप अपना स्पेसिमेन रख रहे हो तो उसको ड्राई कर रहे हो, जब वो ड्राई हो जाएगा तो हम उसे स्मेयर कहते हैं. तो आप, वो इतना पतला होना चाहिए कि उसके आप आर पार देख सको. और इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि अपनी स्लाइड को आप टेक्स्ट के ऊपर रख के देखो कि आप रीड कर पा रहे हो या नहीं. चौथा है कि अगर आप ब्रॉथ से, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप ब्रॉथ से बना रहे हैं तो आपको हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स वो ब्रॉथ लूप के थ्रू लेना हो, क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं. और नहीं दिखेगा इसका मतलब ये है कि आपने स्पेसिमेन नहीं लिया. आपका थोड़ा थोड़ा स्पेसिमेन आपकी स्लाइड पे दिखना चाहिए. नेक्स्ट है कि आप बहुत ज़्यादा हीट मत करो. अगर दो से चार बार लिखा है, हर जगह लिखा रहता है, तो दो से चार बार ही उसको घुमाओ बंसन बर्नर के थ्रू, क्योंकि ज़्यादा ओवर फिक्स हो गया तो प्रोटीन्स डीजनरेट कर जाएंगे, स्ट्रक्चर बदल सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन आएगी. नेक्स्ट है कि जो डीकलराइजेशन है वो कम समय का होना चाहिए. और आपने ये देखा होगा कि ये कम समय का होता है, 60 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स. तो इसने जो बात बोली है ब्रीफली, वो मैंने पहले ही एज ए प्रिकॉशन आपको टाइमिंग्स याद करा के हमने ये प्रिकॉशन ऑलरेडी ले लिया है. नेक्स्ट है कि क्या पता स्टेन ही पुराने हो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम लैब्स में जो लैब मैनेजर होता है वो इतना सिंसियर होता है कि स्टेन्स पुराने नहीं होते, बट अगर आपकी खुद की लैब है तो आप, और या फिर आप इन सब चीज़ों के इंचार्ज हो, तो हर स्टेन को चेक करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है. ये भी ट्राई कर सकते हो, हर स्टेन की एक एक्सपायरी डेट होती है कि इतने से इतने महीने तक ही चलता है, या फिर एक्सपायरी डेट तो हर जगह लिखी रहती है, और ना लिखी हो तो टेस्ट रन करो. भाई रिसर्च साइंटिस्ट किस काम के तुम अगर टेस्ट नहीं कर पा रहे हो. सो आपको अपने स्टेन्स पे भी श्योर होना चाहिए कि जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो सही है या नहीं. अगर वही पुरानी है तो आपका टेस्ट सही नहीं आएगा. अब हम आए नेक्स्ट. तो अब ये पढ़ते हैं कि हम ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, डी कलराइजर, सैफ्रनिन, यही सारे सॉल्यूशंस क्यों यूज़ करते हैं, इनका पर्पस क्या है. देखो, क्रिस्टल वायलेट का तो सीधा पर्पस है कि वो स्टेनिंग करता है वायलेट कलर की. और ये जो आयोडीन है ये एक मॉडर्न, या फिर ये ना जो प्राइमरी बाइंडिंग हुई है क्रिस्टल वायलेट और जो, देखो ग्राम स्टेन, ये जो क्रिस्टल वायलेट है ना ये पेप्टिडोग्लाइकन से बहुत ज़्यादा अच्छे से अटैच होता है. और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें ये पेप्टिडोग्लाइकन काफ़ी ज़्यादा होता है और डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली अटैच होने के चांसेस होते हैं. तो ये जब क्रिस्टल वायलेट उससे अटैच होता है तो आयोडीन किस स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर आप आयोडीन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, आयोडीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इस ये अपने मॉलिक्यूल में उसको फंसा लेता है और ये बेटर हेल्प करता है पेप्टिडोग्लाइकिन को उसे पकड़ने में. क्रिस्टल वायलेट मतलब जितना पेप्टिडोग्लाइकिन ने अपने आप से पकड़ा वो तो ठीक है, पर कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो क्रिस्टल वायलेट है वो आयोडीन लेके पकड़वा देता है उसको. तो नेक्स्ट आया डीकलराइजर क्या कहता है. अब देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में जो पेप्टिडोग्लाइकिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और डायरेक्टली अवेलेबल होता है अटैच होने के लिए, पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसा कुछ होता नहीं है. तो ना इनके ऊपर क्रिस्टल वॉलेट ऊपर ऊपर से बस रखा रहता है. तो जब आप इसे धुलते हो ना एसीटोन और एल्कोहल नाम के जो डीकलराइजर सोल्यूशन है उससे, तो ये जो ऊपर जो रखा हुआ है वो तो झड़ जाता है और जो अच्छे से पकड़ा हुआ है वो कम झड़ता है, वो भी झड़ता है पर कम झड़ता है. तो लास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं सैफ्रनिन. ये भी स्टेनिंग है, ये पिंकिश, डार्क पिंकिश कह सकते हैं, ये भी स्टेनिंग है.
बट ये हम क्यों करते हैं? अब मान लो मेरा पूरा कल्चर था ग्राम नेगेटिव, तो जब मैंने डीकलराइजर यूज़ किया तो मेरे कल्चर्स ने सारा कलर लूज कर दिया, अब वो कलरलेस है। तो अब मैं उन्हें ऑब्जर्व कैसे करूँगी? मैं अगर वो कलरलेस रहेंगे तब तो मैं माइक्रोस्कोप में उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकती, पर अगर मैं उन्हें सैफ्रन डाल दूँ तो वो रेडिश हो जाएंगे। तो मैं उसकी कॉलोनी स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनकी और भी उनकी जो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं लिख सकती हूँ। पर इस सैफ्रनिन की वजह से हम क्रिस्टल वॉलेट की वजह से हम ग्राम पॉजिटिव को देख पाए, और सैफ्रनिन की वजह से अगर हमारे पास ग्राम नेगेटिव भी आया है तो हम उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम कलरलेस बैक्टीरिया को नहीं ऑब्जर्व कर सकते स्लाइड पे, चाहे कितना भी अच्छा माइक्रोस्कोप हो। सो ऐसे हमने फिनिश किया ग्राम स्टेनिंग। एक बार आप फिर इसके स्ट्रक्चर को देख लो कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन कितना कम है और वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, और जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन कितना ज़्यादा और अवेलेबल है डायरेक्टली। सो इसी वजह से ग्राम पॉजिटिव का जो पेप्टिडोग्लाइकिन इतना ज़्यादा है तो वो क्रिस्टल वॉयलेट को डायरेक्टली अवेलेबल है तो वो क्रिस्टल वॉयलेट को पकड़ लेता है, बट ग्राम नेगेटिव में ये केस नहीं हो पाता तो क्रिस्टल वॉयलेट बस रखे रह जाते हैं, जो कि डीकलराइजर उसके ऊपर अप्लाई करो तो वो सब झड़ जाते हैं। तो आपने ये स्ट्रक्चर भी देख लिया कि इसके पीछे रीज़न क्यों था कि ग्राम पॉजिटिव क्यों है और ग्राम नेगेटिव क्यों है। सो अब मुझे लगता है हमने कंप्लीट फिनिश किया ग्राम, ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये बहुत बेसिक टेक्निक है, बट बेसिक है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट वगैरह आपको दे देगा कि ये कल्चर का पीएच वगैरह टेस्ट करो, या फिर आपको किसी इंडस्ट्री से कल्चर मिल गए तो आपको ये टेस्ट करना ही पड़ेगा ये देखने के लिए कि कल्चर क्या मिला है मुझे। कितनी बार कंपनीज नहीं बताती, या बताती वे तो मिक्स्ड कल्चर्स देती हैं, आपको उसमें से आइसोलेट करने पड़ते हैं, तो ये टेस्ट आइसोलेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर आप इसके बाद माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने दो वीडियोस माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी नाम की फाइल में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं और लिंक्स आपको नीचे दिए गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी है, आप चाहते हैं कि मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊं, तो प्लीज़ नोटिफाई मुझे कीजिए कमेंट्स में। बट यही है कि मैं आपको अभी अवेलेबल नहीं करवा सकती क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ और मेरा घर रोड के बहुत क्लोज है, तो रिकॉर्ड करना ही टफ है और यूनिवर्सिटी दूर है तो मैं वहाँ जाके लैब यूज़ नहीं कर सकती, मुझे ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगेगा। सो अगर आपको चाहिए कि मैं लैब में ये सब करके दिखाऊं आपको तो आपको वेट करना पड़ेगा, बट हाँ आप मुझे नोटिफाई कर दीजिए ताकि मैं होता ना दिमाग में रख लूँ कि मुझे ये काम भी करना है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे साथ में ये भी रिक्वेस्ट किया था कि मैं ट्रांसपोर्टेशन पे वीडियो बनाऊँ, वो फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स पे वीडियो बनाऊँ, और मैं बनाऊँगी, मैं उस पर काम कर रही हूँ और 2-3 दिन में आपको मिल भी जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे ईमेल किया था एक्सक्रीशन चैप्टर पे बनाने के लिए, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप एक्सक्रीशन पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोल दो। बट यही है कि मैं दोनों चैप्टर साथ साथ नहीं ले पाऊँगी, मैंने जिसका देखा एक्सक्रीशन मुझे काफ़ी पहले आई थी रिक्वेस्ट, सो और ट्रांसपोर्टेशन जो फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स थी वो काफ़ी अपडेटेड रिक्वेस्ट थी, सो मैंने वही फॉलो की है। और आई विल ट्राई कि 2-3 दिन में बन जाए, बट कुछ भी हो सकता है। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।